नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 9 वाट की एलईडी बल्ब को आप बिल्कुल फ्री में कैसे ठीक कर सकते हो। अगर इस एलईडी बल्ब में एक साथ दो तीन एलईडी बल्ब अगर खराब हो जाती है, उसको आप बिना शॉर्ट किए हुए बिल्कुल फ्री में आप कैसे ठीक कर सकते हो, बिल्कुल नया की जैसा वर्क करने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस एलईडी को आपको हम चेक करके दिखाएंगे। तो चेक करने के लिए एक होल्डर ले लिए, इसमें 220 वोल्ट का करेंट है। इसमें देखिएगा, जब जला रहे हैं तो ये नहीं जल रहा है। देखिएगा यहाँ पे एलईडी है, कभी कभी ये ब्लिंकिंग कर रहा है हल्का फुल्का, कभी कभी पूरा बंद ही ये हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें दो एलईडी बल्ब पहले से शॉर्ट है, इसमें तीसरा कोई एलईडी बल्ब खराब हो गया जिसके चलते इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। अभी देखिएगा ये धीमे धीमे जल रहा है बिना लाइन का, ताकि इसमें कैपेसिटर चार्ज हो गया है। तो इसमें लगातार तीन एलईडी बल्ब खराब हो गया। अब तीसरा एलईडी बल्ब को शॉर्ट करेंगे तो ये आधा घंटा या दो घंटा चार घंटा जलेगा, फिर चौथा एलईडी खराब होगा। इसी तरह करते करते पूरा एलईडी एक ही दिन में या दो दिन में खराब हो जाएगा। तो इसमें आपको अगर नया MCPCB आपके पास है तो लगा सकते हो। लगाने से पहले आपको एक चीज इसमें चेक करना होगा, इसको होल्डर में इस तरह लगाइएगा और इसको मल्टीमीटर से आप चेक कर लीजिएगा, कहीं इसमें ज्यादा करंट आउटपुट तो नहीं कर रहा है। तो मल्टीमीटर को DC 200 वोल्ट पर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस एलईडी में देखिएगा तो माइनस और प्लस की दो पॉइंट मिल जाती है। तो माइनस और प्लस की दोनों पॉइंट पर इस तरह सटाकर आपको चेक करना है। अगर 90 वोल्ट से 130 वोल्ट के बीच में करंट दे रहा है तो बिल्कुल सही है। मल्टीमीटर में देखिएगा 100 वोल्ट के करीब ये करंट आउटपुट कर रहा है, यानी इसका जो PCB है बिल्कुल ठीक है। अब इसमें आप नया MCPCB लगा दीजिएगा तो ये 100% वर्क करने लगेगा। लेकिन आपको तो हम शुरू में बोले हैं कि बिल्कुल इसको फ्री में ठीक करना है और नया की जैसा ये वर्क करने लगेगा। तो दोस्तों, इसको फ्री में ठीक करने के लिए पहले इसमें देखिएगा कि दो एलईडी बल्ब ये शॉर्ट है, तीसरा एलईडी कोई ना कोई एक खराब होगा जिसके चलते ये ब्लिंकिंग कर रहा है, धीमी गति से जल रहा है। तो इसको आप होल्डर में पहले लगा दीजिएगा और इसको आप चिमटा से शॉर्ट करके या तार से शॉर्ट करके इसको चेक कर लाएं कि तीसरा कौन सा ऐसा एलईडी है खराब है जो ब्लिंकिंग कर रहा है या धीमी जल रहा है। अभी देखिएगा हल्का हल्का धीमी जल रहा है, इसको हम लाइन में लगाए हुए। इसके लिए हम इस प्रकार का कवर वाला चिमटा लेंगे। अगर कवर वाला चिमटा नहीं, नांगा चिमटा है, इसमें आप टेप लगा दीजिएगा, वायर से चेक कर सकते हो। तो बारी बारी से सभी एलईडी पर इस तरह बारी बारी से आप शॉर्ट करके देखिएगा, जो एलईडी खराब होगा वो एलईडी को जैसे शॉर्ट कीजिएगा तो ये जलने लगेगा। तो यहाँ पे देखिएगा एलईडी को हम शॉर्ट कर रहे हैं तो ये 100% ग्लो करने लगेगा। लेकिन शॉर्ट कर देंगे तो ये कुछ देर तक जलेगा और ये बंद हो जाएगा। अब ये एलईडी खराब है तो इस पे आप मार्का लगा लीजिएगा और इसको भी यहाँ से इस एलईडी को आप तोड़ दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, इस एलईडी को तोड़ देना है। उसके बाद पहले से जो दो एलईडी की जगह पर यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, इसको सोल्डिंग करके हटा देना है, यानी इसमें का कनेक्शन ही हटा देना है। और अभी अभी इस एलईडी को हम तोड़े हुए इसको शॉर्ट कर दीजिएगा, ताकि कनेक्शन हम यहाँ पे करेंगे। तो इसमें कनेक्शन कैसे करना है, इसमें अलग से हम एक एलईडी लगाएंगे जो यहाँ प्लेट के बगल में लगाएंगे। कौन सा एलईडी बल्ब लगाएंगे, कहाँ से लेंगे, और बिल्कुल फ्री में आपको बनाकर भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह का एलईडी बल्ब जो हम लोग इसमें का निकालते हैं और नया इसके जगह पर चेंज कर देते हैं और इसको फेंक देते हैं, तो इसको फेंकना नहीं, आप रखे रहिएगा। यहाँ पे देखिएगा हम बहुत सा एलईडी बल्ब बदले हुए हैं, जिसमें का सभी यहाँ पे MCPCB को हम रखे हुए हैं। इसमें का सब एलईडी बल्ब खराब नहीं होता है, कोई एक या दो एलईडी बल्ब एक बार में खराब हो जाता है और बाकी सब ठीक रहता है। तो यहाँ पे चलिए हम कोई एक एलईडी बल्ब ले लेंगे, जिसमें कम से कम तीन एलईडी बल्ब यहाँ पे ठीक होना चाहिए, कि ताकि तीन एलईडी बल्ब इसमें खराब है। ये पांच एलईडी बल्ब वाला प्लेट है, इसमें का मात्र एक दो एलईडी खराब है, बाकी ये एलईडी बल्ब ठीक है। अभी इसको साइड में रखते हैं। तो ये पांच एलईडी बल्ब लगातारे है, तो इसको हम क्या करेंगे, हाफ यहाँ से कैंची से हम कट कर लेंगे। तो इस प्रकार आपको यहाँ से इसको कट कर देना है, तो इतना बराबर आप कट कर दीजिएगा, पांच एलईडी बल्ब है। अब इसको क्या करना है, इस पे चिपका देना है। किस साइड से, दो एलईडी को हम डिसोल्डिंग किए उसके बगल से, यहाँ पे आप फेविक्विक से भी चिपका सकते हो या जो भी साधन है आपके पास उस तरह आप इसको चिपका दीजिएगा। उसके बाद इसको कनेक्शन करना है, लेकिन चिपकाने से पहले हमको मात्र इसमें तीन एलईडी बल्ब की ही जरूरी है। तो इधर से एक एलईडी बल्ब को हम तोड़ देंगे और इधर से एक एलईडी बल्ब को तोड़ देंगे, तो सोल्डिंग करने में हमको आसानी होगी। तो
तो चलिए इधर का एक एलईडी बल्ब और इधर का एक एलईडी बल्ब दोनों को हम तोड़ देते। तो इस प्रकार दोनों ओर से हम एक एक एलईडी बल्ब को तोड़ दिए। अब इसमें मात्र 3 एलईडी बल्ब बच गया और हमको तीन ही एलईडी बल्ब की जरूरी है, तो एक तार इस पे सोल्डिंग कर देंगे और एक तार इस पे सोल्डिंग कर देंगे। एलईडी बल्ब को हम तोड़े हुए थे, तो दोनों ओर एक एक वायर को जब सोल्डिंग कर लीजिएगा तो यहाँ पर इसको चिपकाना है। जहाँ पे 2 एलईडी को हम एक साइड में तोड़े हुए थे ये शॉर्ट कर दिए, इससे अब कोई हमको मतलब नहीं है। अब इस दोनों एलईडी जहाँ पे तोड़े हुए थे, सोल्डिंग हटाए हुए थे, उसके बगल में इस एमसी पीसीबी को यहाँ पे चिपका देना है। अब इसको आप फेविक्विक से भी चिपका सकते हो या हीट सिंक कंपाउंड से भी चिपका सकते हो। तो चलिए यहाँ पे पहले हम हीट सिंक कंपाउंड लगा देते हैं। तो हीट सिंक कंपाउंड को हम थोड़ा सा लेंगे और इसको यहाँ पे लगा देंगे, ताकि हीट सिंक कंपाउंड लगा देंगे तो ये सही से वर्क करेगा, जल्दी खराब नहीं होगा। अगर नहीं है तो आप फेविक्विक से भी चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको चिपका देते हैं, ये बढ़िया से चिपक जाएगा, थोड़ा सूखने में टाइम लग जाती है, तो इस तरह रख देना है कुछ देर ये सूख जाए। उसके बाद आप इस पे थोड़ा सा फेविक्विक भी आप डाल दीजिएगा तो ठीक रहेगा। अब हीट सिंक कंपाउंड को हम यहाँ से हटा देते हैं, अब इसका काम बस इतना ही है। अब ये छोटा वाला जो एमसी पीसीबी हम काटे हुए थे, यहाँ पे एक तार जोड़े हुए और एक तार यहाँ पे जोड़े हुए है, एक तार को देखिएगा ये प्लस वाला जो तार है उसके ये छोटा वाला पॉइंट है इस पे सोल्डिंग करना है। और उसके बाद ये दूसरी वाला तार है यहाँ पे देखिएगा इसके बगल में, इस एलईडी के बगल में जो ये पॉइंट है इस पे इस तार को सोल्डिंग कर लेना है। तो इस दोनों पॉइंट पे कुछ इस प्रकार हम सोल्डिंग को कर दिए, अब ये कंप्लीट हो जाए। चलिए अब इसको हम चेक करके आपको दिखाएंगे। हम होल्डर ले लेंगे और होल्डर में इसको लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, ताकि ये वायर जो हम जोड़े हुए, हो सकता है माइनस के जगह पर प्लस और प्लस की जगह पर माइनस हम जोड़ दिए हुए, तो इसको निकालिएगा। और यहाँ पे देखिएगा इस तार को उठाकर इस जगह पे सोल्डिंग कर देना है और ये वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है। तो दोस्तों इस तार को पलट कर सोल्डिंग कर दीजिएगा तो ये 100% कम्प्लीट हो जाएगा। अब चलिए इसको हम होल्डर में लगा कर चेक कर लेते हैं। जैसे इसको अब होल्डर में हम लगाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये 100% वर्क करने लगा, इसका रोशनी भी आप देख सकते हो नया की जैसा आप रोशनी ये देने लगा। उसके बाद इसको हम इस प्लेट में बैठा देंगे। अब चलिए इसको फिर से हम होल्डर में लगाकर यहाँ पे देखते हैं, तो देखिएगा ये जिस तरह नया में प्रकाश देता था सेम तरीका से अब ये प्रकाश देने लगा, अब ये ज्यादा दिन तक बैकअप देने वाला है। तो दोस्तों इस तरह बिल्कुल फ्री में आप नया की जैसे किसी भी एलईडी बल्ब को आप बना सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।